गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों को पार्ट 5 मोबाइल की आत्मकथा पढ़ाऊंगी। मोबाइल का उपयोग हमारे जीवन में अत्यंत आवश्यक हो गया है। मोबाइल अब हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। तो इस पार्ट में मोबाइल अपने जीवन की कथा अर्थात आत्मकथा, अपने जीवन की कहानी स्वयं बता रहा है। मोबाइल कहता है कि आज मैं आपको अपनी आत्मकथा सुनाना चाहता हूँ। आत्मकथा अर्थात अपनी कहानी को सुनाना चाहता हूँ। मेरा नाम मोबाइल है, मेरे कई नाम हैं, सेल फोन, हाथ फोन, सेलुलर फोन, वायरलेस फोन आदि। मोबाइल फोन मेरा अंग्रेजी नाम है। हिंदी में मेरा नाम बहुत ही कम लोग जानते हैं। मेरा हिंदी नाम सचल दूरभाष यंत्र है। मैं इतना छोटा हूँ कि सबकी जेब में रह सकता हूँ आपकी जेब में रह सकता हूँ। आज मैं सबका दुलारा और प्यारा हूँ। बच्चे से लेकर बूढ़े तक और किसान से लेकर उद्योगपति तक, ना किसी उद्योग का स्वामी अर्थात ना तो किसान से लेकर उद्योगपति तक सब मुझे समान रूप से चाहते हैं। कोई मुझसे एक पल की भी दूरी नहीं चाहता ना, तो कोई मुझसे एक पल के लिए भी अलग होना नहीं चाहता। तो बच्चों, आप लोग जान गए होंगे कि मोबाइल हमारे जीवन में क्यों उपयोगी है। इसको सभी चाहते हैं कि मेरे पास रहे, अलग ना हो, अगर अलग हो जाता है तो हम लोग खोजने लगते हैं कि कहाँ रखा है मेरा मोबाइल। तो बहुत सारी यात्रा करके मैं यहाँ पहुंचा हूँ। मोबाइल कहता है कि मैं ऐसे नहीं जगह पहुंचा, मैं बहुत सारी यात्रा करके यहाँ पर पहुंचा हूँ। आज मैं बहुत अलग दिखाई देता हूँ, पर पहले मेरा रंग कुछ ऐसा नहीं था। मुझमें बटन होते थे जिन्हें दबाकर ही कोई नंबर डायल किया जाता था या संदेश लिखा जाता था। जो पहले जमाने का मोबाइल होता था उसमें बटन जो है उभरे हुए होते थे, फिर जिसे दबाकर जो है फोन किया जाता था और मैसेज लिखे जाते थे अर्थात संदेश लिखे जाते थे। फिर मोबाइल कहता है कि मेरे सिर पर एक चोटी होती थी जिसे एंटीना कहा जाता था। कई लोग उसे मजाक में पूंछ भी कहते थे। तब मैं काला हुआ करता था। किस रंग का हुआ करता था? काला। आज कई रंगों और आकारों में उपलब्ध हूँ। तो मोबाइल कहता है कि पहले जहाँ मैं काले रंग का हुआ करता था, लेकिन अब मैं कई आकारों में और कई रंगों में उपलब्ध हूँ। वही जो मेरा पहले रूप जो विशाल रहता था आकार, अब क्या है, टच स्क्रीन के रूप में मैं आप लोगों के पास उपलब्ध हूँ। आप सिर्फ हमें आदेश दीजिए या मुझे छूइए, मैं आपका काम तुरंत कर देता हूँ ना। इसलिए अब लोग मुझे सिर्फ मोबाइल फोन नहीं बल्कि स्मार्टफोन भी कहते हैं। आज मैं इतना संपन्न हो गया हूँ कि मैं एक साथ असंख्य काम कर सकता हूँ। ठीक जैसा कि आज मैं दुनिया का सबसे तेज, सुलभ और आसान संचार का साधन बन गया हूँ। मार्टिन कूपर को मेरा पितामह कहा जाता है, मतलब कि मार्टिन कूपर जो है इनको जो है मोबाइल का पितामह माना जाता है। वे मोटोरोला कंपनी से जुड़े थे। उन्होंने 1973 में मेरा आविष्कार किया। 3 अप्रैल को उन्होंने अपने मित्र और प्रतिद्वंदी डॉक्टर एंगेल से बात की थी। 1979 में जापान में पहला सेलुलर नेटवर्क स्थापित किया गया। 1981 में पूर्णतः स्वचालित मोबाइल प्रणाली एक साथ कई देशों में आरंभ हुई। इसमें डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन शामिल थे। इसी के एक साल बाद ब्रिटेन, कनाडा और मैक्सिको जैसे देशों में भी मैं आ गया ना। तो मोबाइल कहता है कि जैसे कि मोबाइल कहता है कि डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन आदि पहले शामिल थे, लेकिन बाद में क्या हो गया, ब्रिटेन, कनाडा, मैक्सिको आदि देशों में भी मैं आ गया। वर्ष 1982 में मोटोरोला कंपनी ने 1G नेटवर्क स्थापित किया। उस समय मुझ पर 30 मिनट से ज्यादा बातचीत नहीं हो सकती थी। उसके बाद मुझे 10 घंटे चार्ज करना पड़ता था। मेरा वजन ज्यादा था और बैटरी भी कमजोर थी। इसके बावजूद बाजार में मेरी जबरदस्त
मांग थी ना। तो फिर क्या हुआ, वर्ष 1991 में फिनलैंड के रेडियो लिंजा ने 2G नेटवर्क की शुरुआत की। मोबाइल पर संक्षिप्त संदेश अर्थात SMS भेजने की शुरुआत 1993 में फिनलैंड में हुई। ठीक, संक्षिप्त रूप से संदेश भेजने का की शुरुआत कहाँ हुई, 1993 में फिनलैंड में हुई। ठीक, इसके 10 वर्ष बाद 3G सेवा आरंभ हुई। इसकी शुरुआत NTT डोकोमो ने जापान में की थी, लेकिन अब क्या है, भारत में 4G नेटवर्क सेवा आ चुका है ना। लेकिन अब जो है 5G नेटवर्क भी आ गया है, इससे मैं और ज्यादा तेज और उपयोगी स्मार्ट हो गया हूँ, वैसे पहले से और अधिक स्मार्ट हो गया हूँ। मुझसे लोग संगीत सुनते हैं, समाचार सुनते हैं, किसी शब्द का अर्थ खोजते हैं ना, बड़ा बड़ा संदेश भी मैं भेज सकता हूँ। मोबाइल द्वारा हम लोग गाने सुनते हैं ना, खेल खेलते हैं अर्थात गेम खेलते हैं, मैसेज भेजते हैं अर्थात संदेश एक दूसरे को भेजते हैं। अब तो मोबाइल के द्वारा पैसा भी स्थानांतरित किया जाता है और फोटो खींचते हैं, ठीक, टिकट बुक कर सकते हैं, जैसे कि ट्रेन का हो गया, बस का हो गया, या किसी सिनेमा का टिकट हो गया, उसको भी हम लोग बुक करते हैं मोबाइल के द्वारा। जहां मैं इतने काम कर सकता हूँ मोबाइल के, जहां मैं इतने काम कर सकता हूँ, वहीं कुछ दोष भी मेरे अंदर अर्थात कुछ कमियां भी मेरे अंदर हैं। हालांकि ये दोष मेरे नहीं है, फिर मैं इसे अपना ही मान लेता हूँ। कई लोग मुझ पर घंटों गेम खेलते हैं, ठीक, साथ ही उनकी आंखों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। मतलब गेम अधिक खेलने की वजह से क्या होता है, जो खेलता है उसकी आंखों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। और पर इसके लिए मुझे भला बुरा कहा जाता है। आजकल लोग मेरे इस कदर दीवाने हो गए हैं कि मुझे छोड़ना पसंद नहीं करते, इससे उन्हें मेरी लत पड़ जाती है और यह एक बीमारी ही है। मोबाइल बहुत अधिक चलाना या मोबाइल में बहुत देर तक गेम खेलना आदि एक लत एक बीमारी की तरह है। मेरा दुख भी नहीं समझते और मेरे शरीर पर लगातार अंगूठों व उंगलियों से चोट करते रहते हैं। वे मुझे तब तक इस्तेमाल करते हैं जब तक कि मेरा शरीर गर्म ना हो जाए और बैटरी खत्म ना हो जाए। जब बैटरी खत्म हो जाएगी क्या करते हैं, फिर तुरंत जाके चार्ज लगा देंगे, जैसे चार्ज होगा नहीं कि फिर से गेम खेलना स्टार्ट कर देते हैं। घंटों तक हाथ में पकड़े रहने से मुझे हाथों पर आए पसीने की बदबू सहनी पड़ती है। लोग ज्यादा देर तक हाथ में मोबाइल ले रहे तो हाथ में पसीना आने लगता है ना। मैं स्मार्ट तो हूँ पर मैं स्वयं इसके लिए कुछ कर नहीं सकता। मेरे स्मार्ट गुणों का उचित उपयोग करने के लिए आप लोगों को भी स्मार्ट होना पड़ेगा, इसलिए मेरा उपयोग केवल आवश्यकता पड़ने पर ही करना चाहिए। मोबाइल ले रहे मेरा उपयोग जो है जब आवश्यकता हो तभी करें, जब उचित समय हो ना, अन्यथा प्रयोग नहीं करना चाहिए। कई लोग वाहन चलाते समय भी मेरा उपयोग करते हैं, अगर वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग करेंगे तो दुर्घटना हो जाएगी ना। तो मोबाइल का उपयोग अगर करेंगे वाहन चलाते समय तो इससे दुर्घटना हो जाती है। कई लोग तो मुझसे खेलने के चक्कर में बाहर खेलने नहीं जाते हैं ना, घर में बैठे बैठे केवल मोबाइल से गेम खेलना पसंद करते हैं, बाहर खेलने नहीं जाते। इससे क्या है, स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। आजकल बच्चे क्या है, घर में मोबाइल गेम खेलते हैं है ना, जिससे उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है ना, आंखें कमजोर हो जाती हैं। आजकल देखिए छोटे छोटे बच्चे चश्मा लगाने लगते हैं है ना, तो ये बहुत ज्यादा मोबाइल प्रयोग करने से भी होता है। कई लोग तो मुझसे खेलने के चक्कर बाहर नहीं जाते, इससे उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, साथ ही उनका सामाजिक संपर्क भी कम हो जाता है। लोग एक दूसरे से कम मिल पाते हैं ना, उनकी भावनाओं को कम जान पाते हैं। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि मेरे ढेर सारे गुण व दोष ने मिलकर मुझे आप सबका पसंदीदा संचार मनोरंजन का माध्यम बना दिया है। मोबाइल ने अपनी आत्मकथा के माध्यम से बताया है कि हमें जो है मोबाइल का सही समय पर उपयोग करना चाहिए, वाहन चलाते समय उपयोग नहीं करना चाहिए, बहुत ज्यादा गेम नहीं खेलना चाहिए है ना, और उसके दुरुपयोग से बचना चाहिए। ठीक,
अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हेलो के बारे में। हेलो, आप लोगों को पता है कि जब हम फोन बात करते हैं तो फोन रिसीव जो करते हैं उठाते हैं तो सबसे पहले हेलो बोलते हैं। हेलो क्यों बोला जाता है ना, तो आप लोग को चलिए बताती हूँ कि हेलो क्यों बोला जाता है। टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। ठीक, तो टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था तो उनकी प्रेमिका का नाम था मार्गरेट हेलो। जब वे उन्हें फोन करते तो सबसे पहले हेलो कहते थे, तब से यह शब्द प्रचलित हो गया। वैसे यह भी खूब है कि लोग भले ही न जानते हो कि टेलीफोन के आविष्कार करने वाला कौन है, लेकिन वे हेलो जरूर जानते हैं कि फोन उठाना है तो हेलो बोलना है ना। वैसे हेलो शब्द जर्मनी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है आप कैसे हो। कहा जाता है कि जब पहले कॉल किया जाता था तब आर यू देयर बोला जाता था, जिसको बोलने में लोगों को कुछ कठिनाई होती थी ना, तो इसको आसान करने के लिए हेलो बोला जाने लगा। तब से यही जो है प्रचलन में हो गया है। तो आज आप लोगों ने मोबाइल क्या ढूंढा था नामक पाठ पढ़ा।